तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉपीराइट क्लेम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और वो आपके वीडियो पे किस तरह से आता है और क्या इसके कितने नुकसान है। सिर्फ मान लीजिए इसके नुकसान ही नुकसान है। यूट्यूब दो तरीक़ों पर चलता है, कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देख लोगे, समझ लोगे, फिर अपने आप लाइक भी कर दोगे और सब्सक्राइब भी कर दोगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और अगर कुछ और ज़्यादा ज़रूरत चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए इस हमारे और से, तो आप कमेंट में बता देना। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन फ़ोन पे, जो कि मैंने डेस्कटॉप साइट पे खोला है। आप कंप्यूटर में भी इस तरह से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक येलो सो कॉपीराइट स्टेटस के बारे में दे रहा है, येलो लाइन, ये है कॉपीराइट स्ट्राइक। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4। और ये देखिए नीचे है कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, जो कि ये है। दोस्तों, मैं आपके नुकसान बताते हूँ। अगर आपको एक महीने में तीन कॉपीराइट अगर स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। आपका चैनल कभी मतलब मोनिटाइजेशन से पैसे नहीं कमा सकता। तो दोस्तों, जैसे ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है शेयर डिटेल्स पे। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन कौन कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3 मंथ में अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने कुछ 30 सेकंड का, ओनली 30 सेकंड का किसी का व्हाट्सएप स्टेटस लिया था मैंने, लेकिन फिर भी उसका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस था, लेकिन फिर भी उसने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। कि दोस्तों, वो उनका हक है, वो कभी भी दे सकता है, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता और वो हमें कर सकता है, उसका ये हक है, क्योंकि वो खुद का उसका कंटेंट है। तो अब हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप कॉपीराइट स्ट्राइक देख पा रहे हैं, कंटेंट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे लेन मोर में डाल देता हूँ मैं, अब देख पा रहेंगे दोस्तों, 3 महीने के अंदर अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल कभी मोनेटाइजेशन नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखें। लेकिन एक बात और बता दूँ, अगर आप अपना खुद का कंटेंट डालें, खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग डालें, चाहे आप कुछ भी डालें जिस पर आपका ज़्यादा फोकस हो, कॉमेडी का, खुद का वॉइस हो, खुद का सब कुछ हो, तो यूट्यूब कभी भी लाइव में आपको ये कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसीलिए मैं बताता हूँ, अपना खुद का कंटेंट डालो और खुद का कंटेंट डालोगे कभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं। देख पा रहे हैं आप, जैसा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कॉपीराइट स्ट्राइक लुकिंग फॉर कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो आप कभी मोनेटाइज करके पैसे नहीं। इतने सारे रूल्स है, जो रूल्स ही रूल्स है। तो दोस्तों, अगर यूट्यूब पर आना चाहते या यूट्यूब पर आ चुके हैं, तो ये बात का ध्यान रखिए कि आपको यूट्यूब पर कभी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम ना आए और खासकर कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं आए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में इसी पे कोशिश करूँगा लाने की कम्युनिटी गाइडलाइंस, कम्युनिटी टैब नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बताऊँगा। ज़्यादातर तो ये नहीं लाती है, लेकिन फिर भी अगर आप गलत कंटेंट डालते हैं किसी को उठा के, तो आपको कॉपीराइट ये कम्युनिटी गाइडलाइंस लग सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया ये कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आती है, क्योंकि ये मैंने दूसरे का वीडियो लाया था, वो आपको क्लेम तो थोड़ा छोटा है, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया समझो आपका चैनल गया। कॉपीराइट क्लेम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप वहाँ से अपना सॉन्ग या गाना डिलीट कर सकते। देखिए, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मान लीजिए थोड़ा लोड हो रहा है, मैं क्लेम वाली वीडियो डिलीट कर देता हूँ, तो वीडियो तो डिलीट हो जाए, लेकिन ये कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं होता, ये हमेशा के लिए लग जाता है। अब मैं आपको लाइव एक वीडियो डिलीट ही कर, मान लीजिए इस पर ये वीडियो पे देख पर कॉपीराइट कंटेंट डाल रखा है, अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए वीडियो है डिलीटेड। तो वीडियो तो हम डिलीट कर देंगे जिस पे क्लेम आया था, लेकिन दोस्तों अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने मर्ज़ी से होता। हाँ, लेकिन अगर जब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आए लाइफ में,
तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ईमेल आएगा, आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम आपकी वीडियो नहीं डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई चांस ही नहीं है कि आप उसे रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्लैम तो थोड़ा छोटा, अगर स्ट्राइक दे दिया तो समझो आपका चैनल गया। ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके चैनल पे कभी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। ये तभी आता है जब आप किसी और का सॉन्ग या वीडियो उठा के अपने में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा यूट्यूबर के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में बताना। अगर कोई दिक्कतें आ रही है वीडियो में तो हमें ये भी बता देना, सर आपके वीडियो में ये दिक्कतें थी हमें ये बताइए। अगर जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हम कैसे आपको समझाएंगे कि दोस्तों इस वीडियो में इतना था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही।